हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप गूगल एडसेंस में अपने CTR को कैसे चेक कर सकते हैं। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, जो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि न्यू एडसेंस आया है, उसका न्यू वर्ज़न है, तो मैं आपको न्यू वर्ज़न में भी सिखाऊंगा कि आप अपने CTR को कैसे चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से इन स्टेप को करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और उसमें आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी पड़ेगी और फिर इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इसमें मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और इसमें हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना है गूगल एडसेंस, सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सबसे ऊपर आ जाएगा, अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन गूगल एडसेंस, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये हमें साइन इन करने के लिए बोलेगा अपने गूगल एडसेंस में, तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है और अपनी जो आपकी जिस जीमेल आईडी से आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाया हुआ है उससे इसमें साइन इन कर लेना है। तो मैं जल्दी से इसमें साइन इन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इसमें साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने ये होम स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको ये एस्टिमेटेड अर्निंग का ये दिखा रहा है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कहीं पे भी आपके रिपोर्ट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे व्यू मोर पे ये जो है इस पे ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे इसे और यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको परफॉर्मेंस जो है इस वाले इसमें व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे न्यू वर्जन लिखा हुआ है, ये न्यू वर्जन है, और यहाँ पे ये गो टू ओल्ड रिपोर्ट्स पेज है। तो आप चाहें तो ये कहीं इस पे भी क्लिक करके अपने एडसेंस का CTR देख सकते हैं। जो ये ओल्ड वर्जन था वो वाला है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। तो इस पे अगर हम क्लिक करें, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बोलता है हमसे कि ये कुछ देर के लिए ही ऑन होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक न्यू वाले पे चला जाएगा। तो हम यहाँ पे गो टू ओल्ड रिपोर्ट पेज पे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं आप इसमें स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ये सारी चीजें दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे पेज व्यू, इम्प्रेशंस, क्लिक्स, पेज RPM। RPM का मतलब रिवेन्यू पर माइल होता है। तो इसमें आप यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ ओवरव्यू है, क्लिक्स हैं, व्यूज हैं, उसके बाद आपको क्लिक्स पे क्लिक करना है। क्लिक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे ये CTR का ये ऑप्शन आ रहा है, 15.13% है मेरा, वेनेसडे को इतना था, फिर 18 हुआ, फिर 15 आया, फिर 1 को 30 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका CTR दिखाई देता है। ये ओल्ड वाली रिपोर्ट है। अब कई चैनलों में ये ओल्ड वाला रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उन्हें न्यू वर्जन में कैसे देखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें एक न्यू टैब ओपन करना है और उसमें हमें जाना है youtube.com पे। उसके बाद हमें यहाँ पे ये टॉप राइट कॉर्नर में अपने YouTube चैनल में लॉगिन कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे यूअर चैनल इस पे के ऊपर क्लिक करना है, अपने चैनल में चले जाना है, फिर कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये हमारा YouTube क्रिएटर स्टूडियो जो है वो इसमें खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमें एनालिटिक्स में जाना है। एनालिटिक्स में हम जैसे ही जाते हैं तो हमें यहाँ पे ये रिवेन्यू का एक ऑप्शन मिला दिखाई देता है, ओवरव्यू, रीच, इंगेजमेंट, ऑडियंस और रिवेन्यू। रिवेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है हमें। यहाँ पे हमारा टोटल रिवेन्यू दिखाई देता है और इसमें हमें यहाँ पे ये चार्ट है हमारा और यहाँ पे ये सीमोर का एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप सबसे पहले टॉप राइट कॉर्नर में लास्ट 28 डेज जो दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसे लाइफ टाइम सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं आप क्या क्या देख सकते हैं, योर एस्टिमेटेड रिवेन्यू, RPM, एस्टिमेटेड मोनेटाइज प्लेबैक्स, प्लेबैक बेस्ड CPM, कितने व्यूज़ हैं, वॉच टाइम कितना है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। एस्टिमेटेड रिवेन्यू भी यहाँ से देख सकते हैं। अभी यहाँ पे CTR का ऑप्शन ऐड नहीं हुआ है, तो मे बी वो कुछ टाइम बाद इसमें ऐड हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने गूगल एडसेंस में पुराने और नए दोनों तरीके से CTR को देख सकते हैं और बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं फुल डिटेल में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।